हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है जेम्स। इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए और एक वैकेंसी लिखा है। फिर ये वैकेंसी निकाली गई महाजनकों के अंदर। ये पूरे भारत के लिए वैकेंसी है। फिर मेल फीमेल दोनों इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो आपकी नंबर और वैकेंसी की बात करें तो 746 वैकेंसी है। टेक्नीसियन थर्ड वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पोस्ट अप्लाई करने जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो 8 सितंबर 2019 को रखी गई है, ठीक है। और इस वीडियो आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला फ्रेंड एक एक करके कि आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होगी, इससे सारी डिटेल जानकारी देने वाला। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जरूर दबा दे फ्रेंड, ताकि इससे गवर्नमेंट से रिलेटिव जितने भी वैकेंसी निकलेगी सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलते फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं जो पोस्ट नेम है टेक्नीशियन थर्ड, और इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई 746 वैकेंसी से। और इसमें जो आपकी पेज की रहेगी फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 11,275 रुपये से लेकर 28,240 रुपये पेज की रहेगी, ठीक है। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रेंड, किसी भी ट्रेड में आप किए हुए तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसमें जो आपकी एज लिमिट रखी गई मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स एज रखी गई, ठीक है। और इसके बाद बात करें फ्रेंड इसके अप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ओपन कैटेगरी यहाँ पे 500 रुपया रखी गई यानी कि जनरल वालों के लिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपया फी पेमेंट रखी गई, ठीक है। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप फी पेमेंट कर पाएंगे। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रखी गई वह 26 अगस्त 2019 से इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। और जो आपकी लास्ट डेट रखी गई अप्लाई करने के लिए वह 8 सितंबर 2019 को रखी गई, ठीक है। 8 सितंबर से अप्लाई कर देना है। और फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे लिंक दिया हुआ फ्रेंड, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को ले चलता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी फ्रेंड, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट दिया गया और किस ट्रेड के लिए कितना सीट निकाली गई यहाँ पे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, तो यहाँ देख सकते हैं जिसे सभी ट्रेड के लिए निकाली गई है वैकेंसी। ITI जिस ट्रेड में आप किए होंगे तो यही फ्रेंड, इस ट्रेड में अगर आपका ITI सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा फ्रेंड, वहाँ पर आप जाके इसकी किस ट्रेड के लिए आपकी जो ITI सर्टिफिकेट है यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। और आपकी क्वालिफिकेशन जो आपका है फ्रेंड ITI सर्टिफिकेट, तो इस पोस्ट की अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट को जो लिंक है फ्रेंड, उसका लिंक है आपका है www.mahajanko.in है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक, इस लिंक के जाने के बाद आप लोग अप्लाई करना है फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ऑनलाइन माध्यम से। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों को लेटेस्ट वैकेंसी बारे जानकारी देता रहूँगा फ्रेंड। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें और बेल आइकन को जरूर करें फ्रेंड, ताकि हर लेटेस्ट वैकेंसी बारे अपडेट आप लोगों को मिल सके, ठीक है।